झारखंड में जल्द ही सहायक शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ऐसे में तमाम उन परीक्षार्थियों के लिए यह सुनहरा अवसर है जो इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और इस अवसर को और अधिक सुनहरा बनाने के लिए हमारे साथ फिलहाल मौजूद है समर्पण दीप बीएड कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर और करियर काउंसलर चंदन मिश्रा सर। सर, मैं आपका प्रभात खबर के इस खास सेगमेंट में स्वागत करती हूँ। नमस्कार सर। तमाम उन परीक्षार्थियों के लिए यह सवाल रहेगा हमारी तरफ से, जो भी हम पूछेंगे ये उन तमाम सवालों का जवाब हम आपकी तरफ से चाहेंगे जो इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके मन में कई सारे सवाल रहते हैं और वो किसी से पूछ नहीं पाते, खासकर कहें कि उन्हें अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाता है। तो हमारे शो का यही मकसद है कि हम उन परीक्षार्थियों के मन की जिज्ञासा को इस शो के माध्यम से शांत करें, और हम आपके साथ इसी तरह से करियर काउंसलर से जुड़ते रहेंगे और आपके मन के सवाल को हम यहाँ पर शांत करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला हमारा सवाल यही है सर कि ये झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से किस तरह से भिन्न है, क्या पैटर्न भिन्न है उसका, या फिर उसका सिलेबस किस तरह से भिन्न है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। अगर हम शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के संदर्भ में बात करते हैं और इसको हम तुलना करते हैं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा से, तो कुछ मामलों में ये भिन्न है। जैसे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम पात्रता की बात करते हैं कि इसे कौन से विद्यार्थी भर सकते हैं, तो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में वही विद्यार्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री ली है। जैसे बीएड किया हो या डीएलएड किया हो तो वही परीक्षार्थी इसमें भाग ले सकते हैं और परीक्षा में बैठ सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें तो प्रत्येक शिक्षक प्रतियोगिता अधिकांशतः विषय विशेषज्ञ होता है, मतलब प्रत्येक परीक्षार्थी की अपने एक विषय होती है जिसमें वो अपने परीक्षा को देता है और उसको उसमें अच्छे तरीके से मेरिट लाना पड़ता है, तभी उसका एक चयन हो पाता है। क्योंकि स्कूल में, या अगर हम बात करें उच्च शिक्षा में क्षेत्र में, उसे वही सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं जिस सब्जेक्ट को उसने चूज किया है। इसलिए दो मामलों में अगर हम देखें तो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा अन्य प्रतियोगिता परीक्षा से भिन्न है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं वही इस परीक्षा का हिस्सा बन सकते हैं। जी बिल्कुल, कि जिन्होंने अपने विषय को चुना है, चाहे उसमें वो ग्रेजुएशन किए हों चाहे वो पीजी किए हों, उसी क्षेत्र में जब वो बीएड कर लेते हैं तो आगे जाकर वो या तो प्लस टू स्कूल में या हाई स्कूल में या प्राथमिक शिक्षक में या कह सकते हैं माध्यमिक स्कूल में वो अपना शिक्षण का कार्य करते हैं या पढ़ाने का कार्य करते हैं। अभी सर झारखंड में पीजीटी परीक्षा भी होने वाली है, तो ये पीजीटी या टीजीटी क्या है? आप हमारे चैनल के माध्यम से उन परीक्षार्थियों को बताएं जिनके मन में यह सवाल रहता है। जी बिल्कुल, पीजीटी की अगर हम बात करते हैं, झारखंड पीजीटी प्रतियोगिता परीक्षा, जिसके झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 22 दिसंबर से 3 जनवरी 2023 लेने का समय निर्धारित किया। पीजीटी का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, और टीजीटी का फुल फॉर्म होता है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कौन बन सकता है, सबसे पहली बात मन में सवाल ये आती है, या इसे कौन भर सकता है इस फॉर्म को? तो इसके लिए जो छात्र की पात्रता होती है वो है, पहला कि पीजी करना है उसे स्कूली सब्जेक्ट में, और प्लस उसे बीएड करना है। तो जो पीजी और बीएड हैं वही पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं, और इसमें चयनित जो अभ्यर्थी हैं वो 11 और 12 को पढ़ेंगे। अब आते हैं टीजीटी की बात। तो टीजीटी में अगर हम बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। इसमें पात्रता क्या है, तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड स्कूली सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन। अच्छा, यानी कि पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएशन और टीजीटी में आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड है आपका, ये दोनों ही अनिवार्य है। जी बिल्कुल अनिवार्य है। अगर हम ग्रेजुएशन प्लस बीएड किए हैं तो हम पीजीटी का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, उसके लिए पीजी करना जरूरी है। मैं एक वर्ड को फोकस कर रहा हूँ, स्कूली सब्जेक्ट। अगर माने जैसे कि हम ग्रेजुएशन में फिलोसफी कर लिए तो हम हाई स्कूल टीचर जहाँ देखते हैं संभावना नहीं है, क्योंकि स्कूल में कहीं भी फिलोसफी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते। तो इसलिए स्कूली सब्जेक्ट में अगर हम ग्रेजुएशन किए हैं, मेरा ऑनर्स पेपर रहा है, और हमने बीएड किया है, तो हम टीजीटी के फॉर्म भर सकते हैं बीएड के साथ। अब उसके जैसे आपने प्रश्न किया कि पीजीटी की परीक्षा होने वाली, बिल्कुल परीक्षा होने वाली है, और उसके लिए अगर हम बात करें तो बहुत सारे परीक्षार्थी भर चुके हैं
और आज संभवतः लास्ट डेट है उसका। तो अब जो अगर एक महीना अगर बात करें है समय, तो ये जोर शोर से तैयारी करेंगे तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। सर अभी सीटेट का भी फॉर्म आया हुआ है, तो सीटेट का फॉर्म कौन भर सकते हैं, और साथ ही आप बताएं कि किस तरह से इसकी तैयारी की जानी चाहिए ताकि परीक्षा में सफलता प्राप्त हो सके। जी बिल्कुल, अभी अगर हम बात करें तो सीटेट का भी फॉर्म निकला हुआ है, और सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। अभी हमने बोला कि अगर शिक्षण के क्षेत्र में आपको बढ़ना है तो शिक्षा की डिग्री आपको लेनी पड़ेगी, तो इसमें भी सीटेट में वे सभी परीक्षार्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने बीएड किया हो, चाहे वो पीजी किए हों, चाहे वो ग्रेजुएशन किए हैं, साथ ही साथ डीएलएड किए हुए हैं यानी प्राइमरी स्तर पर उन्होंने ट्रेनिंग ली है, तो वे भी सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जनरली अगर हम देखें तो सीटेट जो है हमारा 1 क्लास से 8 क्लास तक की बात आती है, या अगर हम केंद्रीय विद्यालय के क्षेत्र में बात करें तो वो 10 तक भी सीटेट के सर्टिफिकेट को मांगता है। सीटेट की जो अगर बात करें तो 2 पैटर्न पर होती है, एक पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो प्राइमरी लेवल के लिए होता है और जिसमें 1 से 5 क्लास के बच्चों को पढ़ाने की बात आती है। पेपर 2 6 से 8 होता है, और इसमें जो है 6 से 8 जैसे मैंने क्लास किया उसमें विद्यार्थी को पढ़ाने की बात है क्लास की। अब दोनों में अंतर थोड़ा ये है कि जो डीएलएड किया है, इंटर प्लस डीएलएड है, वो सीटेट के पेपर 1 को भर सकता है, और जो ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड है, वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को भरेगा। यानी कि दोनों के लिए ही अलग अलग, अलग है। पहले ये नहीं था, लेकिन सरकार के द्वारा नियमावली में परिवर्तन किए गए हैं, तो बीएड को 1 से 5 और 6 से 8 दोनों में मौका दिया जा रहा है। दोनों पेपर 150-150 मार्क्स के होते हैं, और इसमें अगर हम बात करें तो बाल शिक्षण जो अगर पैटर्न की, जैसे आपने बात किया पूछा कि क्या क्या पैटर्न होता है, तो उसमें बाल शिक्षण की बात है। लैंग्वेज पेपर होते हैं लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, तो 20 लैंग्वेज हैं, और उस 20 लैंग्वेज में कोई 2 लैंग्वेज आपको चूज करने पड़ते हैं। फिर 1 से 5 में EVS पढ़ना है, पर्यावरण के संबंधित बातें करनी है, और मैथ पढ़ना है। ये पेपर 1 की कहानी थी जो 150 मार्क्स के हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं, और इसमें पास करने के जो है वो 60% या 90 मार्क्स लाना जरूरी है। दूसरा पेपर 2 की बात करें तो उसमें भी वही बात है, आपका बाल शिक्षण की बात है, चाइल्ड पेडागोजी जिसको कहते हैं हम लोग, लैंग्वेज यहाँ भी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 होगा, और उसके बाद आपके आ जाते हैं SST या साइंस पेपर जो 60 मार्क्स के होते हैं, और ये सब 30-30 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पर भी 150 मार्क्स हैं, और उस 150 मार्क्स में जनरल कैटेगरीज को 60 मार्क्स, 60% यानी कि 90 मार्क्स, और अदर कोई भी कैटेगरीज हो उसको 55% यानी कि 82 मार्क्स लाने हो तब वो क्वालिफाई करेगा। सीटेट पास करने के बाद अगर हम बात करें तो कोई भी परीक्षार्थी कहीं पर भी सेंट्रल लेवल के जो फॉर्म आते हैं उसमें अप्लाई कर सकता है। बहुत सारे DAV ग्रुप या प्राइवेट हैं उसमें भी अप्लाई कर सकता है, उसकी भी मान्यता है। बहुत सारे स्टेट अपने स्टेट में मान्यता दे रखे हैं, अपने समकक्ष जैसे आप झारखंड में JTET है या बिहार में BTET है, तो उसके समकक्ष उसको मान्यता दे रखा है। तो ये एक हम कह सकते हैं कि शिक्षण के पढ़ाने की योग्यता के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा है जिसे परीक्षार्थी को पास करना जरूरी है, जिसके बाद वो किसी भी केंद्रीय या फिर राज्य में स्कूल में पढ़ा सकते जी। सर अभी देखने को मिलता है कि महिलाएं भी शिक्षण के क्षेत्र में काफ़ी, ऐसे तो कहा जाता है कि महिलाओं के लिए काफ़ी सुरक्षित शिक्षण का क्षेत्र माना जाता है, और कई शादीशुदा महिलाएं जो रहती हैं वो भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़कर इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करती है, तो उनके लिए आप क्या टिप्स देंगे करियर काउंसलर के तौर पर? देखिए मैं उन सभी शादीशुदा महिला चाहे सभी महिलाओं को मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने बीएड जब किया होगा या अपने ग्रेजुएशन स्नातक की पढ़ाई या पीजी की पढ़ाई की होगी तो स्वाभाविक है उसके लिए आपने समय निकाला होगा, तो आपका जो लक्ष्य आपने लेके चला था या जो बीएड कर जिस उद्देश्य से किया कि मुझे एक शिक्षक बनना है, उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी आपको इस कंपटीशन प्रतियोगिता में भी समय देना होगा, तभी आप अंतिम लक्ष्य को अपने प्राप्त कर पाएंगे। तो बिना मेहनत का तो कोई उपाय है नहीं, तो पढ़ना जरूर पड़ेगा। तो अभी अगर हम बात करें जिस समय में सारी प्रतियोगिताएं परीक्षा हो रही है शिक्षक की, और ये है ठंड का मौसम, और कहा जाता है विद्यार्थियों के लिए कि जो ठंड का मौसम है वो पढ़ने के लिए सबसे अनुकूल होता है, गोल्डन पीरियड हम लोग कहते हैं, गोल्डन पीरियड, क्योंकि
शाम हो जाती है बहुत जल्दी, तो जल्दी घर आ जाते हैं, सुबह जल्दी ठंड के कारण बाहर नहीं निकलते हैं, तो इसलिए हमारे पास दो शाम के दो तीन घंटे, सुबह के दो तीन घंटे हमारे पास रहते हैं जिसमें हम कहीं नहीं कुछ करते हैं, उसको हम यूज पढ़ाई में कर सकते हैं। तो उन सभी महिलाओं या सभी अभ्यर्थियों को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप समय अपने लिए निकालिए, क्योंकि आपको अपनी पहचान बनानी है, इसलिए थोड़ी सी मेहनत कीजिए और फिर अपने अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति करें। सर, अभी आपने टाइम मैनेजमेंट की बात कही कि किस तरह से छात्रों को टाइम निकालना चाहिए, और बाद बाकी जो तैयारियां चलते रहती है जैसे हमने पढ़ाई की उसके साथ ही इसको भी मैनेज करना चाहिए, और ठंड का सीज़न है तो अभी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए टाइम मैनेजमेंट कितना आवश्यक है, जैसे कि आपने कहा कि टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, तो किस तरह से टाइम मैनेज करना चाहिए और कितने घंटे की पढ़ाई से इन प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल की जा सकती है? देखिए, मेरा मानना है कि समय तो मेरा क्या, सभी लोगों ने बोला है कि समय को जो नहीं पहचाना वो पीछे रह गया, तो समय का बहुत महत्वपूर्ण है और उसको हम जितना जल्दी उसके साथ हो सकें तो हमारा लाइफ उतना ही जल्दी प्रगति करेगा या प्रोग्रेस बढ़ेगा। और रही बात कि अगर हम मैनेजमेंट, अगर टाइम मैनेजमेंट या घंटे की बात करें, तो मेरा मानना है कि घंटे में पढ़ाई को नहीं रखा जा सकता है। कोई दो घंटा पढ़ के भी पाँच घंटे के बराबर आ सकता है, कोई पाँच घंटा पढ़ के भी नहीं रह सकता है, तो सबकी अपनी अपनी योग्यता है। हाँ। जिसको हम लोग छात्र जीवन में कहते हैं कि मेधावी छात्र हैं, एवरेज हैं, या मंद बुद्धि या स्लो लर्नर है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो सबको अपनी योग्यता मालूम है कि हमें कितनी योग्यता में करनी है। और इसके लिए है कि आप प्रैक्टिस सेट बना लें, अपनी क्षमता पता चल जाएगी, और या कहीं पर आप टेस्ट से जुड़ते हैं तो भी आपको पता चल जाएगी कि हम अन्य के मुकाबले कहाँ हैं और हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए। तो समय अपने निकालना बहुत ज़रूरी होगा, और जितना जल्दी आप जुड़ सकें, जुड़ने का मतलब हो गया कि पढ़ाई से दोस्ती कर सकें, उतना आपके जीवन के लिए बेहतर है। तो पढ़ाई से दोस्ती सबसे खास बात है, क्योंकि जब तक आप पढ़ाई से दोस्ती नहीं करेंगे तब तक आपका लगाव पढ़ाई के प्रति नहीं बढ़ेगा। जैसे हम अपने दोस्त के लिए डेडिकेटेड रहते हैं, उसी तरह से पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड होने से ये शिक्षक प्रतियोगी परीक्षाएं ही नहीं बल्कि बाद बाकी प्रतियोगी परीक्षाएं भी काफ़ी आसान हो जाती है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं चंदन मिश्रा सर, और हम आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, आपने तमाम उन सवालों का जवाब दिया जो कि एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के मन में ज़रूर ये आता होगा ये सवाल, और इन तमाम सवालों के साथ हम आप के लिए लेकर आएंगे इसी तरह से कई सेशंस, और आपको बताएंगे कि किस तरह से आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको तैयारी करनी है। फिलहाल इसी के साथ प्रभातखबर.com से मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।